हेलो एवरीवन वेलकम टू टू एंड वेरी वेलकम टू आर डेली एडिटोरियल एंड न्यूज एनालिसिस व्हिच इज बीइंग प्रेजेंटेड बाय मी माय नेम इज़ खुशबू लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेस एनालिसिस फर्स्ट ऑफ 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 ऑल वी विल चेक आउट द टेबल टेबल कंटेंट्स एंड कंटेंट्स में कौन कौन सी चीज़ें हैं एक बार हम वो चेक कर लेते हैं सो दीज आर द टॉपिक्स जो आज हम कवर करने वाले हैं एक तो कल पार्लियामेंट पर अटैक हुआ था तो उससे रिलेटेड हम जानेंगे फिर उसके बाद आता है रोड फेटिलिटीज तो रोड फर्टिलिटीज पूरी दुनिया में कम हुए हैं लेकिन इंडिया में इंक्रीज हो गए हैं तो दिस इज अ मैटर ऑफ कंसर्न तो इनके बारे में भी हम जानेंगे कुछ डेटा सो हियर ये मेंस के लिए है ये एज अ जनरल नॉलेज के लिए है प्लस आपका प्रिलिम्स में कुछ मेंस uh, मतलब सेंटेंस बेस्ड क्वेश्चन जो है उस टाइप का कुछ आ सकता है फिर आता है सेवेंटी फोर परसेंट अफोर्ड हेल्दी डाइट जो मैंने कहा था कि हम कल कवर कर लेंगे दिस इज द वन जी एस पेपर थ्री के लिए आ जाता है रिलेटेड है रीजन राइट आई टी बेसिकली सो दीज आर दॉपिक्स जो कि हम आज कवर करेंगे जी एस फाउंडेशन कोर्स जो है वो अभी रनिंग मोड में है अंडर द गाइडेंस ऑफ डॉक्टर तनु जैन मैम दिस इज अवेलेबल इन ऑनलाइन एंड ऑफलाइन बोध मोड जो भी आपको फिज लगता है आप उसको ज्वाइन कर सकते हो इसके अलावा दिस इज द नंबर कोई भी ऑब्वियस बात है जब आप कोई कोर्स ज्वाइन करते हो तो देर आर लॉट मेनी क्वेश्चन तो यू केन डेफिनेटली आस्क द क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस कल एक बच्चे ने कॉमेंट सेक्शन में पूछा था क्या मैम हिंदी में अवेलेबल है नो बेटा ये सिर्फ अभी इंग्लिश में ही उपलब्ध है ठीक है अब इसके अलावा हमारे और भी कोर्सेज हैं ये तो पूरा का पूरा फाउंडेशन बैच है तो इसमें आपको एन सी आर टी सी सैर बहुत सारी चीजेस आई जी एस पेपर एवरीथिंग इज देयर बट इसके अलावा जो ट्वेंटी फोर में अपेयर करने जा रहे हैं तो उनके लिए सी सर पेपर टू का कोर्स भी अवेलेबल है एंड अपार्ट फ्रॉम दैट वी आर हैविंग दिस इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम जो है वो इस बार जिन्होंने मेन्स क्लियर किया है उनके लिए भी इट विल बी स्टार्टेड वेरी सून सो एनी क्वेरी जो भी क्वेरी आपको लगता है तो प्लीज़ डू विजिट डू कॉल ऑन दिस नंबर ओके चलिए सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वेरी फर्स्ट टॉपिक एंड हमारा पहला टॉपिक जो है हम लेंगे पार्लियामेंट से रिलेटेड कि पार्लियामेंट का कल तो ये बहुत ज्यादा न्यूज में था तो आप लोगों ने देखा ही होगा कि किस तरीके से पार्लियामेंट में दो लड़के जो हैं वो जंप करके आते हैं और वहां पर आकर के वो टीयर गैस के जो ग्रेनेड्स होते हैं उसको वो वहाँ पर फेंक देते हैं ये कुछ ऐसा ही नहीं लगता है जैसा कि कभी भगत सिंह जी ने किया था जिसमें कि वो आ, उन्होंने जो है बॉम्बला बीच में किया था इन ऑर्डर टू यू नो टेक अटेंशन ऑफ द पीपल जो भी वहाँ पे लोग बैठे हुए थे उन सब का अटेंशन इस चीज में सीख करने इस अटेंशन सीख करने के लिए बेसिकली ये सारी चीजें हो रही थी ठीक है ये भी कुछ वैसा ही है लेकिन ये टाइमिंग ये जो सारी चीज एक तो जगह बहुत गलत चूज करी इन्होंने अपने कंसर्न को रखने के लिए उसके अलावा इन्होंने जो हरकत की है दैट इज नॉट फगीवेबल बिल्कुल फगीवेबल ये पॉइंट नहीं है देखो पार्लियामेंट में जो है एक विजिटर्स गैलरी होती है तो उस विजिटर्स गैलरी में कुछ लोग जैसे आप जो हम जैसे जो लोग हैं हम लोग जाकर के वहां पर बैठ सकते हैं और पूरा पार्लियामेंट का जो प्रोसीजर होता है किस तरीके से बात विचार होती है किस तरीके से सारी चीजें होती हैं उन सारी चीजों को हम देख समझ सकते हैं हम उनको सुन सकते हैं ओके बट यू आर नॉट सपोज टू डू एनी काइंड क्रिएट एनी काइंड ऑफ इंटरफेरेंसेस और नुआंसेस आप यू आर नॉट सपोज टू डू एनीथिंग लाइक दैट आप उन सारी चीज़ों से एकदम ही आपको अलग रखने की बहुत जरूर रहने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है यू आर नॉट सपोज टू डू दैट राइट तो ये जो है विजिटर्स गैलरी वहाँ पे आप किसी भी तरीके कुछ भी हरकत नहीं कर सकते बट डीज डीज बॉयज ये लोग जो है यहीं से ही जंप करके आए और उसके बाद इन्होंने जल्दी जल्दी अपने शूज उतारे इन शूज में से ग्रेनेड्स लेकर के जो है इन्होंने फेंक दिए तो यहाँ पे एक तरीके से कहीं ना कहीं लूप होल जरूर हमारी सिक्योरिटी के ऊपर आ रहा है डेफिनेटली हम जो सिक्योरिटी स्कैन कर रहे हैं बस ऐसे 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 ऊपर स्कैन कर दिया शूज तो डेफिनेटली नाउ ये भी चीजें जो है नेक्स्ट टाइम से अब चेकआउट होनी शुरू हो जाएंगी बिकॉज ये शूज़ में छुपा करके इस तरीके से चीज़ लेकर के आए थे एंड शूज़ तो रिमूव होते नहीं है सो दैट इज सीन ओवर ही एंड शूज़ को भी जो है वो पूरा नहीं चेक किया जाता है अब मतलब और भी इसका मतलब ये है कि इनको ये लूप होल पता थी Thank God की इन्होंने किसी तरीके का कोई ब्लास्ट नहीं किया अदरवाइज इट बीन अ रियली वेरी डेंजरस एंड बहुत ही शेमफुल चीज रहता हमारे लिए नया पार्लियामेंट है और उसके साथ साथ ये जो थर्टींथ डिसम्बर का डेट है तो 13th दिसंबर टू थाउजेंड वन में इफ यू रिमेंबर टू उस पर्टिकुलर टाइम में हुआ क्या था कि उस दिन पार्लियामेंट पे अटैक हुआ था एंड वो मतलब एक तरीके से उसका एक ये काले दिन के जैसे ही है हमारे लिए थर्टींथ दिसंबर 2001 को ये जो चीज हुई थी तो वही सेम डेट को हुआ एंड पॉइंट ऑफ कंसर्न इज दैट पन्नू ने जो कहा था आपको शायद या पता होगा तो ही इज द वन हु इवन वांट की इस तरीके की चीज होगी एंड समथिंग लाइक दिस हैपेंड तो क्या इनमें किसी तरीके का कोई कनेक्शन है उन लोगों के बीच में तो वो तो सिक्योरिटी वाले देखेंगे कि क्या इन कैसे वो सारी चीजें होंगी खैर तो इन लोगों इनको तो पकड़ के जो पार्लियामेंटेरियंस थे उन्होंने तो अच्छे से धोया भी है बट वट इफ दे वुड है अब यहाँ पर बात आती है कि ये विजिटर्स का जो विजिटर्स हैं वो किस तरीके से सेलेक्ट होते हैं देखो जो विजिटर्स हैं जैसे कि हम जाना चाहते हैं तो वी कैन अप्लाई फॉर दैट यहाँ पर जो विजिटर्स हैं उनको प्रॉपर आई कार्ड जो उनको प्रॉपर विजिटर कार्ड जो है वो एक्चुअली इनको प्रोवाइड करी जाती है ओके okay, अब यहाँ पर ये जो दो लड़के थे ये जो दो लड़के थे ये आए हुए थे बीजेपी एमपी मैसूर के प्रताप सिम्हा जो है इनके आ, इनके नाम के थ्रू वे बेसिकली आए थे क्योंकि जैसे कि मैं एमपी पी हूँ ठीक है मैं चाहती हूँ कि मैं अपने किसी रिलेटिव को विजिटर्स गैलरी में लेकर के आऊ मैं चाहती हूँ कि वो लोग आए वहां पर देखें कि किस तरीके से सारा प्रोसेस होता है तो दे कैन कम ओवर देयर वो वहां पर जा सकते हैं और इन सारी चीजों को देख सुन सकते हैं ओके okay? तो ये पॉइंट है तो इसलिए अब इनके नाम पर वो जो है उनके थ्रू ये उन्होंने बेसिकली रिक्वेस्ट डाली थी अब यहाँ पे ऑब्वियस बात है कि इनसे भी क्वेश्चन आंसर तो ऑबियस सी बात है कि वो सारी चीजें होंगी ही अब रूल्स क्या कहती हैं विजिटर्स को लेकर के तो यहाँ पर ये यह कह रहे हैं कि विजिटर्स से रिलेटेड एडमिशन विद्रॉल या फिर रिमूवल हो विजिटर्स का या फिर कोई भी स्ट्रेंजर का ये सभी के सभी जो रूल्स हैं गवर्न मतलब जो रूल्स हैं एटी पे 386, 387, 387, थ्री ए अब ये किसके रूल्स रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कॉन्डक्ट ऑफ बिजनेस इन दी लोकसभा तो ये जो बुक है इसमें ये जो रूल नंबर है 386, 387, 387 ए ये जो सारे रूल्स इसमें दिए गए हैं उसी के ही अकॉर्डिंग कोई भी पर्सन जो है उसको लाया जा सकता है मतलब उसको अलाउ किया जा सकता है इन ऑर्डर टू बी देयर एज अ विजिटर और उसको वहाँ से हटाने के लिए मतलब एवरी रिलेटेड टू दी एडमिशन रिमूवल एवरीथिंग हैज बिन गिवन ओवर देयर ठीक है अब यहाँ पर ये चीज़ कह रहे हैं कि जो एडमिशन ऑफ स्ट्रेंजर्स की बात करें तो दो टू दो पोर्शन ऑफ द हाउस विच आर नॉट रिजर्व फॉर द एक्सक्लूसिव यूज ऑफ मेंबर्स शेल बी रेगुलेटेड इन अकॉर्डेंस विद ऑर्डर मेड बाई द स्पीकर स्पीकर के ही ऑर्डर के बेसिस पे जो स्ट्रेंजर्स होते हैं जो किसी के नोन नहीं है तो उन लोगों को उन जगह पे बैठाने का इंतजाम किया जा सकता है जो जो पर पर किसी मेंबर्स के वो नहीं बैठते हैं तो उनको एक सेपरेट जगह पे बैठाने का यहाँ पर आ, काम रहता है और ये सभी के सभी जो रूल्स है वो कौन सेट करेगा स्पीकर सेट करेंगे ओके द स्पीकर में ऑर्डर द विड्रॉल ऑफ स्ट्रेंजर्स फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ द हाउस वो okay, how, मतलब कहीं से भी जो कह सकते हैं कि भाई इसको हटाओ क्यों उसके पीछे भी रीजन हो सकते हैं कुछ हो सकता है कि सर कोई डिस्टर्बेंस कोई प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट हो रही है तो उसके बेसिस पे देहिक कैन एक्चुअली से कि भाई इसको हटाओ यहाँ से ओके एंड ऑथराइज्ड ऑफिसर्स ऑथराइज्ड ऑफिसर्स शैल रिमूव रिमूव फ्रॉम द प्रेसेन्ट्स और टेक इनटू कस्टडी एनी स्ट्रेंजर

एंट्री ऑफ विजिटर्स ये कैसे होता है तो ये जो चीज है ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑफ पार्लियामेंट है उसमें अ मेंबर कैन अप्लाई फॉर द इशू ऑफ विजिटर्स कार्ड ओनली फॉर दोज हु आर वेरी वेरी वेल नोन फॉर देम पर्सनली यानी ये जो एम पी है मतलब राज्यसभा और लोकसभा के जो मेम्बर्स हैं वो लोग अब मतलब विजिटर कार्ड जो है वो इशू करा सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ दिस थिंग कि हम जो है इनको जानते हैं उसके बेसिस पे ठीक है जिनको ये पर्सनली जानते हैं द एम पी मस्ट सर्टिफाई कि ये जो पर्सन है ये मेरा रिलेटिव है मेरा पर्सनल फ्रेंड है या फिर मैं इसको पर्सनली जानता हूं एंड आई विल बी टेकिंग फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ हिम तो ये बहुत बड़ा जो है ये स्टेटमेंट यहाँ पर उनसे लिया जाता है इसके अलावा जो नेम होते हैं जो नेम है विजिटर्स के उनका पूरा कंप्लीट नेम होना चाहिए कोई शॉर्टकट नहीं होना चाहिए जैसे कि हो गया ए बी जुनेद ऐसे करके समथिंग या फिर यू नो के डी Uh, क्या बोले इसमें अब क्या सर नेम मिले एनी थिंग यू नो के डी सिंह बोल लीजिए ठीक है तो ऐसा कुछ हो तो ऐसा कुछ मतलब पूरा नाम नाम होना चाहिए के डी में भी क्या है के डी तो वो पूरी नेम होनी चाहिए तो जो विजिटर है उसका फुल नेम होना चाहिए उसका फादर है या फिर हसबेंड है तो उसका भी पूरा फुल नेम वहाँ पर मैंशन होना जरूरी है इसके बाद ये जो रिक्वेस्ट होती है ए, 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 रिक्वेस्ट होती है ये रिक्वेस्ट भेजी जाती है सेंट्रलाइज्ड पास इशू सेल के पास एंड ये प्रेफर किया जाता है कि इट शुड बी डन बाय सिक्सटीन हंड्रेड आवर्स इट मीन शाम के चार बजे तक ये हो जाना चाहिए ऑन द वर्किंग डे ऑन द वर्किंग डे जैसे कि कल मेरे को जाना है विजिट करना है तो पिछले दिन आज के मैं शाम के चार बजे से पहले तक जो है मैं अपनी रिक्वेस्ट डाल देनी है सो so दैट जो कार्ड है विजिटर कार्ड वो रेडी हो जाए फॉर द टाइमिंग ठीक है उस चीज के लिए फॉर विच द विजिटर्स कार्ड आर रिक्वायर्ड इफ देयर इजेंट एनअ टाइम टू अप्लाई सपोज की ज्यादा टाइम है नहीं अप्लाई करने के लिए तो कार्ड जो है इस पर्टिकुलर कंडीशन में भी इशू करी जा सकती है ओके इस पर्टिकुलर कंडीशन में भी कार्ड जो है उसको इशू किया जा सकता है अ कार्ड कैन भी इशूड ऑन द फॉलोइंग कंडीशन सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी ऑफ द स्पेस पहला है नॉट मोर सेम डे विजिटर्स कार्ड्स आर इशूड यानी चार से ज्यादा सेम डे विजिटर्स कार्ड्स जो है वो नहीं हो सकती है उसके बाद उसके अलावा दूसरा कंडीशन है द कार्ड इज रिक्वायर्ड टू बी कलेक्टेड बाय द मेंबर पर्सनली जो कार्ड है उसको इज रिक्वायर्ड टू बी कलेक्टेड बाय मेंबर पर्सनली जो भी मेंबर होगा पार्लियामेंट का वो खुद ही जाएगा और उसको खुद ही कार्ड जो है उसको कलेक्ट करके लेकर के आना पड़ेगा द स्पेसिफिक आर फॉर विच द कार्ड इज वैलिड इज इंडिकेटेड ऑन द कार्ड कि कितने बजे से कितने बजे के लिए वो विजिटर जो है वो वहाँ पे रहेगा तो वो चीज़ स्पेसिफिकली उस चीज वहाँ पे उस कार्ड में लिखी रहती है इसके अलावा द कार्ड्स आर मेड अवेलेबल फॉर द यूज ऑफ एटलीस्ट टू आवर्स आफ्टर द टाइम ऑफ रिसीट ऑफ एप्लीकेशन ये जो कार्ड्स हैं दीज आर सपोज टू बी मेड अवेलेबल फॉर यूज एटलीस्ट टू आवर्स आफ्टर दिस जो है दो घंटे बाद जो है इट शुड बी देअर आफ्टर द रिसीट ऑफ द एप्लीकेशन एप्लीकेशन मिला उसके दो घंटे के अंदर जो है ये कार्ड बनकर रेडी भी हो जानी चाहिए ठीक है तो ये इट इज रिलेटेड टू ऑल दीज थिंग्स आर रिलेटेड टू द कार्ड्स अब यहाँ पर जो है गैलरीज की अगर हम बात करें तो लोकसभा में दो गैलरीज होती हैं प्लीज ध्यान में रखिएगा ठीक है एक तो होती है पब्लिक गैलरी और दूसरी होती है स्पीकर्स गैलरी में मेम्बर कैन फैसिलिटेट द एंट्री ऑफ फोर पीपल डेली इन पब्लिक गैलरी पब्लिक गैलरी में दो लोग जो है वो डेली वहाँ पे कोई आ सकता है एंटर कर सकता है ही और शी कैन फैसिलिटेट द एंट्री ऑफ टू पीपल इन द स्पीकर गैलरी और दो लोग जो है वो स्पीकर की जो गैलरी होती है वहां पे रह सकते हैं द नेम्स ऑफ द लेट विजिटर्स आर वेटेड बाई द स्पीकर ऑफिस मतलब स्पीकर की गैलरी में जो रहेंगे उसका जो कन्फर्मेशन है वो स्पीकर की ऑफिस से ही आएगा जिसके लिए कार्ड बनी हुई है तो वो भी एक आई कार्ड उनके लिए होनी चाहिए अब सिक्योरिटी चेक जो कि बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है ये तो पूरा का पूरा प्रोसीजर हो गया इसमें सारा का सारा जो फेथ है आप देख सकते हो कि पूरा का पूरा शो किया गया है जो मेम्बर है पार्लियामेंट का एम ऑफ पार्लियामेंट है उसके ऊपर सारा का सारा जो फेथ है वो शो किया गया है एंड दैट पर्सन विल बी रिस्पॉन्सिबल अगर किसी तरह कुछ भी गड़बड़ होता है तो सिक्योरिटी चेक्स द लोकसभा सेक्रेटेरिएट्स इश्यू बुलेटिन इनफॉर्मिंग एम पीस ऑफ दिक्योरिटी प्रोसीजर्स फॉर द एंट्री ऑफ विजिटर्स पार्लियामेंट सिक्योरिटी स्टाफ एट द पब्लिक गैलरी चेकिंग पोस्ट मस्ट इंश्योर दैट ऑल विजिटर्स आर पुट थ्रू डोर फ्रेम और हैंड हेल्ड मेटल डिटेक्टर्स की उनको जो है डोर फ्रेम जो बनी नहीं रहती उसमें से आप चल करके जाते हो वहां से होकर के जाए उनको जो है डिटेक्ट करना जो ये हैंड हेड डिटेक्टर होता है उससे एंड चेक द विजिटर्स कार्ड एंड क्रॉस चेक द डिटेल्स विद द एप्लीकेशन अप्रूव्ड लिस्ट इन देयर पोजेशन उनके पास जो एप्लीकेशन है उनके पास जो कार्ड है वो सभी चीजों को क्रॉस चेक करना ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको स्टार्टिंग में ज्यादा शूज का रिमूव करने वाला कोई चीज ही नहीं रहता है तो इट मीन्स अब तो वही वाला सीन होगी जिस तरीके से एयरपोर्ट में रहता कि शूज भी निकालो ये सारे जो है प्रॉपर तरीके से सा सारे आपके चेक होते हैं वैसा ही करना पड़ेगा अब राइट अपार्ट फ्रॉम दैट जब ये अंदर जा करके वहाँ पे बैठते हैं तो दे आर सपोज टू बी वेरी मच विजाइल जो भी सिक्योरिटी स्टाफ वहां पर पार्लियामेंट सिक्योरिटी स्टाफ होती है तो दे आर सपोज टू कीप अवरी वन दे आर सपोज टू कीप दिस थिंग इन माइंड की एवरी वन इज सपोज टू बी मेनटेन साइलेंस सब लोग जो है साइलेंस मेंटेन करके रखें किसी भी तरीके की मिसचीफ uh, या फिर डिस्टरबेंस क्रिएट नहीं करें किसी भी तरीके का स्लोगन शाउट नहीं करें कोई भी ऑब्जेक्शनल तरीके कोई चीज शो ऑफ नहीं करें कुछ भी गलत काम यहाँ पे उनको बैठ के नहीं करना है मतलब वहां पर कुछ करना ही नहीं है यू आर जस्ट सपोज टू सिट एंड वॉच दैट सेट यू कैन नॉट डू एनीथिंग राइट सो अपार्ट फ्रॉम दैट सुपरवाइजर इन द गैलरी विल टेक केयर ऑफ सीटिंग अरेजमेंट ऑफ द विजिटर्स

थ्री चेक टू द विजिटर्स गैलरी लेयर वन टू थ्री जो है वो पूरी दिखाया गया है लेयर वन इज फॉर द विजिटर्स लेयर टू टू हंड्रेड टू टू फिफ्टी स्टेप्स अवे विजिटर्स आर फिक्स अगेन पहले भी उनकी चेकिंग होती है इन ये लोग अंदर किसी भी तरीके की चीज नहीं लेकर के जा सकते ना फोन ना नोटबुक किसी भी तरीके कोई चीज नहीं ले जा सकते दे आर सपोज टू डिपॉजिट एवरी थिंग सिर्फ ये अपनी ये आईडी और विजिटर्स पास जो है सिर्फ वही अपने साथ लेकर के जाते हैं एंड दे आर सपोज टू बी पास थ्रू ऑल द मेटल डिटेक्टर टेस्ट जितनी भी होती है उन सभी से इनको पास होना पड़ता है लेयर टू 200 हंड्रेड टू टू स्टेप्स विजिटर्स आर फिक्स्ड अगेन अब यहाँ पे फिर से इनकी चेकिंग होती है फिर उसके बाद जब ये सिक्योरिटी चेक पास कर लेते हैं देन ओनली जो पर्सन person है पर्सनल है सिक्योरिटी इंचार्ज वो उनको वहां से जाने की अनुमति दो है आगे की तरफ देते हैं फिर उसके बाद आ, लोकसभा चेम्बर के बाहर फिर से स्कैनिंग होती है टू इंश्योर कि, कि किसी तरीके की कोई छोटी मोटी चीज तो नहीं लेकर के जा रहे पेन एंड ऑल उस टाइप की कोई भी चीज तो नहीं ले जा रहे लाइक अ पेन कैप और टिश्यू पेपर आर रिमूव्ड असेंशियली नथिंग दैट कैन बी थ्रोन इज अलाउड इन साइड जो कोई भी ऐसी आप थ्रो कर सकते हो कुछ भी चीज जो है वो वहां पर नहीं लेकर के जाते हैं वंस यू आर इन साइड जैसे ही आप अंदर जाते हो तो यू आर सपोज टू सिटर देयर इन दिजिटर्स गैलरी जो भी विजिटर्स गैलरी है वहां पे ईच विजिटर्स गैलरी इन लोकसभा हैज सेवन रोज सात रोज है विजिटर्स गैलरी में वहां पर uh, लोकसभा की ये बात कह रहे हैं विथ द फ्रंट मोस्ट रो टेन एंड हाफ फीट अब द पार्लियामेंटेरियंस ओके नाउ द टू मैन अब ये जो दो लोग थे इन्होंने क्या किया टू मेनवर इनरी टूवर्ड्समेंट सिक्योरिटी जितनी भी गैलरी है विजिटर्स गैलरी वहां पर दो जो पर्सन person है पर्सनल है सिक्योरिटी पर्सनल वो वहां पर रहते भी हैं तो टोटल सिक्स गैलरीज है इंक्लूडिंग फॉर द विजिटर्स एंड दट ऑफ द प्रेस ऑल्सो हाउसफुल वन ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस देयर आर मार्शल्स मार्शल ऑल्सो उसके अलावा मार्शल्स वहाँ पे रहते हैं लॉबी में लोकसभा में जो है बारह रो की हैं उसमें वो बारह रो की सीट्स हैं ट्रेजरी बेंचेस सिट ऑन द नाइट ऑफ द राइट ऑफ द स्पीकर ऑपोजिशन ऑन द लेफ्ट ओके तो ये सारी चीजें यहाँ पर रहती है चलो

सो दिस इज नॉट अ गुड साइन दो खैर तो यहाँ पे आप रोड फेटिलिटीज इंडिया में आपको देखने के लिए मिल रही है 2010 से 2021 में ये किस तरीके से चेंज हुई है इससे पहले जो है 2020 में डेफिनेटली इट वेंट डाउन बट लेकिन फिर से ये दो लाख लगभग डेढ़ लाख लाख जो है यहाँ पे फेटेलिटीज देखने के लिए मिल रही है नाउ द रोड ट्राफिक मिलियन एनुअली वर्ल्ड वाइड तो वर्ल्ड वाइड पांच परसेंट जो है यहाँ पर रोड फेटेलिटीज कम हो गई है बिटवीन ट्वेंटी टेन एंड ट्वेंटी ट्वेंटी टेन एंड ट्वेंटी ट्वेंटी वन ये WHO ने अपनी रिपोर्ट में कहा है लेकिन यहाँ पर इंडिया के लिए इन्होंने कहा है कि इट हैज एक्चुअली इंक्रीज बाई परसेंट यहाँ पर देखने के लिए मिला है कि इंक्रीज हुई है जो रिपोर्ट है रिपोर्ट का नेम है ग्लोबल स्टेटस ग्लोबल स्टेटस रिपोर्ट ऑन रोड सेफ्टी ग्लोबल स्टेटस रिपोर्ट ऑन रोड सेफ्टी ओके ग्लोबल स्टेटस रिपोर्ट ऑन रोड सेफ्टी इसी में ही जो है ये बात कही गई है ये जो रिपोर्ट 2023 की रिपोर्ट है ठीक है मतलब ये पिछले साल की सारी डेटा जो है इन्होंने यहाँ पर स्टडी कर ली है नाउ द टोटल नंबर ऑफ रोड ट्रैफिक फेटिलिटीज इन इंडिया वेंट अप टू 1.54 लाख नियरली अबाउट 1.54 लाख इन 2021 फ्रॉम 1.34 लाख इन ये जो रिपोर्ट कह रही है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा हो गया आपके मेंस के लिए अगर एक्सीडेंट्स रोड से रिलेटेड इस तरह के कोई क्वेश्चन जो है वो पूछा कर पूछते हैं तो टेन कंट्रीज जो है ऐसी जिन्होंने जहां पर रोड रोड एक्सीडेंट्स जो है वो एक्चुअली कम हो गए हैं फिफ्टी परसेंट जैसे की बेलरूस ब्रुनाए दारूसलम देन आता है डेनमार्क जापान लिथुआनिया नॉर्वे रशियन फेडरेशन त्रिनी Tobago, Arab and ये सारी है पर 50% drop हुआ है road में, इंडिया में तो बढ़ गई है खैर, 35 कंट्रीज ऐसी हैं जहाँ पर कि नोटेबल प्रोग्रेस देखा हुआ है देखा गया है कि इन्होंने अपनी जो रोड एक्सीडेंट्स हैं, वो थर्टी से लगभग फिफ्टी तक जो इन्होंने वहां पर कमी जरूर कर ली है अब यहाँ पर बोल रहे हैं कि 2019 में एज ऑफ 2019 रोड क्रैशेस वर द लीडिंग कॉज ऑफ डेथ अमंग चिल्ड्रन एंड यूथ एज 5 टू 25 इयर्स अब यहाँ पे ये पॉइंट कह रहे हैं कि ये जो 2019 में है रोड एक्सीडेंट्स में जो लोगों की डेथ होती थी वो बच्चों की होती थी या फिर यूथ की होती थी मतलब 5 से 29 साल के जो लोग हैं 5 साल के बच्चे से लेकर के उनतीस साल के जो लोग हैं उनकी डेथ होती थी एंड लीडिंग ऑफ ऑल एजेस पे कह रहे हैं कि जो टू थर्ड्स डेथ है दीज अकर्ड अमंग पीपल ऑफ अ वर्किंग एज और वर्किंग एज की जो लोग हैं जो काम काज करने वाले लोग हैं वहां पे टू थर्ड डेथ देखने के लिए मिली है इस पर्टिकुलर एज में पास्ट डेकेड की बात कर रहे हैं इन द पास्ट डेकेड 5% रिडक्शन हुआ है इन दूसर फर्टिलिटीज ग्रोथ इन द ग्लोबल पॉपुलेशन बाय नियरली फोर्टीन बिलियन और रफली थर्टीन परसेंट एज वेल निस ट्रांसलेट इन टू द रोड फर्टिलिटीज अब ये जो है ये बेसिकली दिखा रहे हैं कि किस तरीके से रोड फेटिलिटी रेट डिक्लाइनिंग फ्रॉम 18 पर 1 लाख पीपल इन 2010 टू 15 पर 1 लाख ,00 इन 2021 सो so, अगर इस हिसाब से देखें तो पहले 18 एक लाख लोगों में से 18 लोगों की डेथ होती थी 2010 में वही 2021 में ये ये जो है घट करके 15 हो गई एक लाख में लेकिन पॉपुलेशन भी तो ओवरऑल इंक्रीज हो गया है राइट व्हिच रिप्रेजेंट्स अ 16% डिक्लाइन इन द रोड ट्रैफिक डेथ रेट सिंस 2010 सो रोड ट्रैफिक डेथ की डेथ में जो अगर आप देखें तो 16% परसेंट वहां पर डिक्लाइन आपको देखने के लिए मिलती है ओके okay. ये सारा जो है आपके लिए डेटा इंपॉर्टेंट हो रहा है मेंस के लिए राइट नाउ व्हीकल ग्रोथ व्हीकल, अब ये जो ग्लोबल मोटर व्हीकल जो है यहां पर भी ग्रोथ देखने के लिए मिला है एंड दैट टू बाई हंड्रेड एंड सिक्सटी परसेंट विच इज रियली वेरी ह्यूज इसी वजह से एनुअल फेटिलिटी रेट्स जो है फोर्टी वन परसेंट रिडक्शन ग्लोबल मोटर व्हीकल फ्लीट जो है ये इंक्रीज हो गई है तो जिसकी वजह से यहाँ पर डेथ रेट भी जो है वो कम हो गए कम्यूट करने के जो तरीके हैं वो इंक्रीज हो गए हैं इस वजह से रिपोर्ट शोज दैट ट्वेंटी एट परसेंट ऑफ ग्लोबल रोड ट्रैफिक डेथ अकर्ड इन दी डब्लू एच ओज साउथ ईस्ट एशिया रीजन एंड ट्वेंटी फाइव परसेंट जो है वो वेस्टर्न पेसिफिक रीजन में इतने डेथ्स देखने के लिए मिली है नाइनटीन परसेंट अफ्रीकन रीजन में ट्वेल्व परसेंट अमेरिकाज में इन द रीजन ऑफ अमेरिकाज नॉर्थ एंड साउथ अमेरिकाज इलेवन परसेंट ईस्टर्न मेडिटेरेनियन रीजन में एंड फाइव परसेंट इन यूरोपियन रीजन तो ये ग्लोबल रोड ट्रैफिक डेथ्स जो है ये सभी कौन से रीजन में कितनी डेथ कितने परसेंटेज डेथ्स है दैट इज एक्चुअली बींग शोन ओवर हियर नाइन इन टेन डेथ्स अकर इन लो एंड अब देखो दस में से जो नौ लोगों की डेथ होती है वो कहां पर हो रही है लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज में

दुनिया की वन परसेंट ही सिर्फ मोटर व्हीकल्स हैं वहाँ पर उसके बावजूद यहाँ पर जो डेथ्स हैं दैट इज क्वाइट हाइयर एज कम्पेयर टू द हाई इनकम कंट्रीज व्हिच इज़ अ मैटर ऑफ कंसर्न इट मीन्स दे माइट नॉट बी कंसीडरिंग कंसिडरिंग लाइक रोड सेफ्टी एंड ऑल देखो रोड सेफ्टी की जब बात आती है तो बहुत सारी चीज़ यहाँ पर आ जाते हैं कि ओबियसली बात है कि आपके रोड के डिज़ाइंस क्या हैं मतलब आप क्या किस तरीके से रोड बनाए हुए हो कितनी लेन वाली रोड है दैट ऑल्सो मैटर्स राइट कितनी चौड़ाई है उसमें जीब्रा क्रॉसिंग कहाँ कहाँ है कितना मतलब इसमें ट्रैफिक लाइट्स जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ट्रैफिक लाइट्स नहीं है तो ट्रैफिक पुलिस है तो ट्रैफिक पुलिस जो है वो कितना विजिलेंटली और किस हिसाब से एक्शन ले रहे हैं अपार्ट फ्रॉम दैट ये जो रोड पे जितने भी लोग चल रहे हैं हाउ मच ऑफ सेफ्टी मेजर्स दे आर डूइंग दे आर कीपिंग एंड द पीपल ऑल्सो जो हु आर ऑन द रोड वो लोग भी स्पीड मैटर कर जाती है यहाँ पर ठीक है इसके अलावा लाइट्स मैटर कर जाते हैं यहाँ पर क्योंकि लाइट्स कितनी ज्यादा है अगधेरे में आप चला रहे हो आपकी गाड़ी की भी लाइट उतनी ज्यादा नहीं है एंड अपार्ट फ्रॉम दैट रोड पर भी उतनी लाइट नहीं है डेफिनेटली ऑल दीज थिंग्स आर गोइंग टू इम्पैक्ट यूर ड्राइविंग एंड ये सभी चीजें जो हैं लोग अगर वहाँ से कोई कहीं पे क्रॉस uh, कर रहा है तो उसको भी ऊपर uh, इम्पैक्ट करेगा क्या पता है उसको हिट भी कर जाए राइट ये चीजें हो गई एंड अपार्ट फ्रॉम दैट किसी का रोड पे एक्सीडेंट हो जा रहा है तो उसको किसी तरह कोई हेल्प नहीं ऑन टाइम मिल पाती है तो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन बिकॉज ऑफ दैट कि फेटिलिटीज इंक्रीज हो रही हैं लोग वीडियोज ही बनाने में बिजी हैं एज कम्पेयर टू उनको प्रॉपर जाकर के चेकअप कराने के बजाय सो दीज आर द काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स स्विचिंग

हेल्दी डाइट इट्स नॉट अबाउट जस्ट हैविंग फूड सिर्फ चावल दाल खा लिए रोटी खा लिए बस हो गया उसी से नहीं होता इट्स ऑल अबाउट देखो यहाँ पे खाने के लिए नहीं बल्कि हेल्दी डाइट की यहाँ पर बात कर रहा है ओके मोर देन 74% ऑफ इंडियंस कुड नॉट अफोर्ड अ हेल्दी डाइट इन 2021 2020 में जो परसेंटेज थी वो 76.2% थी तो खैर थोड़ी सी डिक्रीज हुई 2.2% बोल सकते हैं बट स्टिल पाकिस्तान में ये फिगर 82.2 परसेंट है ठीक है पाकिस्तान में ये कितनी है 82.2 परसेंट इंडिया में 74 परसेंट हम उनसे इतने ज़्यादा डेवलप्ड हैं उसके बाद भी कोई खास डिफरेंस तो है नहीं कोई खास डिफरेंस यहाँ पे देखने को नहीं मिलता बांग्लादेश में 66.1 परसेंट है वो हमसे ज़्यादा बेटर कर रहे हैं इस पक, आ, अगर इस चीज़ में अगर हम देखें तो अब यहाँ पर जो एक बहुत बड़ा मैटर देखने के लिए मिल रहा है कि वट so इसकी इंक्रीज हो रही है तो वो एक बहुत बड़ा फैक्टर पर हो जाता है ठीक है क्योंकि क्या हो रहा है कि आपका ये इन्फ्लेशन जो है वो जरूर बढ़ रही है लेकिन आपकी इनकम उस हिसाब से नहीं बढ़ रही है ओके तो डेफिनेटली इट विल बी क्रिएटिंग गैप इट विल बी लाइक कि भाई हम पहले जो है इतना ये इतने फ्रूट्स खा लेते थे अब हमारे पास इतना पैसा नहीं है तो फ्रूट्स में कटौती कर लेते हैं तो पेट भरने के लिए खाना चाहिए होगा फ्रूट से तो पेट भरेंगे नहीं लेकिन न्यूट्रिशन एंड बहुत मतलब हेल्दी डाइट ऑब्वियसली बात है कि आपको फ्रूट्स खाना चाहिए दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू बट यू कैन नॉट स्पेंड ऑन दैट बिकॉज योर पॉकेट इज नॉट अलाउविंग राइट तो दैट इज अ काइंड ऑफ थिंग कि इसकी वजह से लोग जो हैं दे आर अनेबल टू अफोर्ड हेल्दी डाइट इसके अलावा रीजनल ओवरव्यू ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन 2023 स्टैटिस्टिक्स एंड ट्रेंड्स आर देयर अपार्ट फ्रॉम दैट एफएओ रिपोर्ट जो है इज अ ग्लिम्स ऑफ द प्रोग्रेस इन मीटिंग एफएओ रिपोर्ट से पता चल रहा है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो है ऑल वर्ल्ड हेल्थ असेंबली ग्लोबल न्यूट्रिशन टारगेट हम अचीव करने की राह पर है या नहीं अब ये जो है पेंडेमिक के टाइम में 5 5 एफ एफ्स की दिक्कत हुई थी फाइव एफ्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मिल गई है अपने को ठीक है अब यहाँ पर क्या ये तो आपके मेन्स एंड प्रीलिम्स दोनों के लिए ही इंपॉर्टेंट हो गए फाइव एफ एक एफ का मतलब है फूड फिर फीड फूड फीड फ्यूल फर्टिलाइजर एंड फिनेंस ठीक है फूड फीड फूड फीड उसके बाद फ्यूल फर्टिलाइजर एंड फिनेंस ये जो चीजें हैं ये एशिया पैसिफिक रीजन में ये प्रॉब्लम देखने के लिए मिली है पेंडेमिक की वजह से ओके एशिया एंड पैसिफिक रीजन अकाउंट फॉर हाफ ऑफ द वर्ल्ड सीवियर फूड इनसिक्योरिटी एशिया पैसिफिक रीजन जो है एशिया एंड द पैसिफिक रीजन ठीक है यहां पर सीवियर फूड्स इनसिक्योरिटी का सिचुएशन देखने को मिल रहा है अब यहाँ नॉट टॉकिंग अबाउट द फूड इन सिक्योरिटी बट सीवियर फूड इन सिक्योरिटी एंड मैन बी फूड इनसिक्योर विमेन एंड मेन बोथ प्रेवलेंस रेट ऑन स्टंटिंग वेस्टिंग एंड ओवर वेट अमंग चिल्ड्रेन अंडर फाइव इफ एज अंडर फाइव इन ऑफ एज टारिप्रोडक्टिव एनिमिया इंडिया में तो आप सभी को पता ही है कि एनीमिया का बहुत बड़ा इशू है हमारे हमारी जो पॉपुलेशन की ऑलमोस्ट फिफ्टी परसेंट जो है वो हम विमेन हैं गर्ल्स हैं लेडीज हैं बट स्टिल एनीमिया की इश्यूज बहुत हाई लेवल पे हैं क्योंकि यहाँ पर हेल्थ रिलेटेड जो प्रॉपर जैसे कि यहाँ पर न्यूट्रिशियस फूड की जो बात हो रही है वो कंज़म्पशन वहां पर हो ही नहीं पाता है वो होता ही नहीं है राइट right? हमारी इंडिया में क्या है सैक्रिफाइस करने पे बहुत ज्यादा बिलीव करते हैं फैमिली right? के लिए सैक्रिफाइस करती है खाना तो पीपल आर लाइक ठीक है कोई आ गया गेस्ट उनको दे देते हैं वी वी पीपल आर लाइक दैट हम पूरे इंडियन से ही इस तरीके से हैं लेकिन कहीं ना कहीं ये जो चीजें हैं वो आपके हेल्थ पे इम्पेक्ट करती हैं तो हियर यू कैन सी कि एनिमी एक बहुत ही बड़ा इशू निकल करके सामने आ रहा है सिक्सटीन परसेंट अंडरिस्ड अब इस रिपोर्ट में कह रहे हैं कि सिक्सटीन ऑफ द कंट्रीज पॉपुलेशन वॉज अंडरिस्ड उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन है नहीं मिल रहा है, means, uh, 17 जो है उनको न्यूट्रिशन प्रॉपर मिल ही नहीं मिल, नहीं मिल रही है जिसकी वजह से आपका well हेल्थ खराब होगा आप जॉब की आप प्रोपरली खाना नहीं खा रहे हो का डाइट नहीं ले रहे हो, तो इसकी वजह से आपकी हेल्थ खराब हो रही है आपकी हेल्थ खराब हो, हो रही है तो डेफिनेटली इट विल बी इम्पैक्टिंग योर इनकम ऑल्सो ठीक है आप प्रॉपर वर्क नहीं कर पाओगे आप इनकम नहीं अर्न कर पाओगे तो या फिर जो भी आप अर्न कर रहे हो उसका मैक्सिमम अमाउंट आपके हेल्थ में ही खर्चा हो जा रहा है तो वो एक बहुत बड़ा फैक्टर हो जाता है उसके अलावा जो है ये ओवरऑल ये इस तरीके के हमारे इंडिया में बहुत सारे लोग हो गए सपोज 60 70 परसेंट ऐसे हो गए कि जिनका हालत इस तरीके से हो रहा है तो ओवरऑल हमारी इंडिया की जो इकॉनमी है उस पर भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा ठीक है नाउ द रीजन हैड अ लोअर प्रेवलेंस ऑफ बोथ मॉडरेट और सीवियर एंड सीवियर फूड इनसिक्योरिटी वेन कंपेर्ड विद द वर्ल्ड प्रेवलेंस ट्वेंटी सदर्न एशिया इट हैज एक्चुअली शोड द हाइय प्रेवलेंस ऑफ सीवियर फूड इनसिक्योरिटी अब यहाँ पे सदर्न एशिया में तो हम लोग आते हैं भाई यहाँ पे सीवियर फूड इनसिक्योरिटी आ रही है अगर इसी चीज को अगर आप कंपेयर करोगे टू अदर सब रीजनस

उसकी हेल्थ बहुत खराब रही है उसके बाद जो है वो बच्चे को प्रॉपर ब्रेस्ट फीड नहीं करा पाई है एक बहुत सारे न्यूट्रिशन बच्चे को एक्चुअली मिलता है दैट इज दैट हैज नॉट बीन डन तो उसको ये दिक्कत जो है वो डेफिनेटली हो जाती है अब वेस्टिंग की अगर बात करें तो वेस्टिंग इज लो हाइट फॉर द वेट जो वे जो लो वेट फॉर द हाइट जो हाइट है उसके हिसाब से वेट नहीं है

Reducing and maintaining childhood wasting to less than 5 is the वर्ल्ड हेल्थ यहाँ पे डब्ल्यू एच ए का इन्होंने टारगेट दे के रखा था भाई कि आप जो है इतना आपको मेंटेन करके यहाँ पर रखना पड़ेगा नाउ टू पॉइंट एट परसेंट ऑफ चिल्ड्रन बिलो फाइव आर ओवरवेट भाई इतना ज़्यादा बच्चों को इतना ज्यादा खिला देते हैं कि ओवर वेट है तो वो एक्टिविटी फिजिकल एक्टिविटी नहीं ज्यादा कर पाता है जिसकी वजह से उसका मतलब उस उस हिसाब से डेवलपमेंट नहीं पूरी ओवरऑल हो पाती है दैट इज ऑल्सो अनदर काइंड ऑफ हेल्थ रिस्क क्योंकि बहुत ज्यादा जो हेल्दी रहते हैं वो ज्यादातर बैठा ही रहना पसंद करेंगे रादर देन डूइंग सम काइंड ऑफ एक्टिविटीज ऑल द टाइम

Government scheme. Write down in the comment section. Okay. 1.6% of adults in the country were obese. Obese hai country mein ha? Like you said, 2%, but still there are obese in our country. And definite si baat hai ki de, de, these are the numbers which are actually going to increase very soon. Okay. On exclusive breastfeeding among infants in the age group of 0 to 5 months, India had improved the prevalence with a percentage of 63.7%, which is Higher than the world prevalence of 47.7%. India had the highest prevalence of low birth weight in the region, followed by Bangladesh and that of the Nepal. Pura article important article So this is it related to today's editorial and news analysis. I hope you people enjoyed. See you in the next video. Take care, bye bye, and have a great time. Good night.